वेट लॉस और डायबिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेने के लिए और इससे रिलेटेड इलनेसेस के लिए। आपके पास में जो भी सवाल हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप डालें, उनका हम लोग आंसर करेंगे। और जब तक आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते हैं, तब तक मैं पिछले हफ्ते के कुछ क्वेश्चन से शुरुआत सेशन की करता हूं। माधवी शर्मा मैडम लिखते हैं, थैंक यू सर, मेरे घुटने में काफ़ी पेन रहता है और नीज चर चर की आवाज़ करते हैं, घुटनों में सूजन भी हो जाती है। देखिए माधवी जी, घुटने का जो प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी कॉमन है और आपने इसमें मेंशन नहीं किया है कि आपका एज क्या है। अगर वो मेंशन किया होता तो शायद मेरे को समझने में और ज़्यादा आसानी होती। यूजुअली घुटने में जो पेन होता है वो संधिवात के कारण होता है और एक उम्र के बाद में संधिवात होता है, जैसे फीमेल्स के अंदर एक 45-50 साल की उम्र के बाद, और अगर फीमेल का वजन ज़्यादा है 80-90 kg है तो पॉसिबल है 40 साल पर भी इसकी शुरुआत हो जाए, और मेल्स के अंदर 55-60 साल की उम्र के बाद में संधिवात यूजुअली देखने के अंदर आता है। अब आपने चूंकि इसमें एज मेंशन नहीं की और लिखा है साथ में सूजन भी है, यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में सूजन अर्ली स्टेजेस में नहीं आती, पर अगर सूजन आ रही है और एज आपकी इनकेस कम है या किसी व्यूअर की कम है, तो वो लोग साथ में गठिया की जो जांचें होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो जांचें होती हैं वो भी करा लें, और गाउटी आर्थराइटिस की, गाउट की भी करा लें, उसके अंदर पैर के अंगूठे हाथ की उंगली के साथ में घुटने के अंदर भी तकलीफ आती है और उसमें सूजन आता है, रेडनेस आती है घुटने में, तो वो जांचें साथ में जरूर करा लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए फोकस करते रहें और बाद में मालूम पड़े कि आपको गाउटी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो ब्लड टेस्ट कराना साथ में जरूरी है। ठीक है, सईद हाशमी रजा ये लिखते हैं, आई एम फ्रॉम वाराणसी यूपी एंड आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम नी पेन प्रॉब्लम। I have got my knee x-ray done. Now you suggest me what I have to do. देखिए मेरे designated numbers YouTube और Facebook Live के अंदर डले रहते हैं, आप उन नंबर पर WhatsApp करें आपके जो x-ray हैं वो, और पैरों की एक फ़ोटो भेजें। पैरों की फ़ोटो, सीधे खड़े हो जाएं, पैर जोड़ करके फुट से लेकर के नी तक एटलीस्ट दिखाई दे, तो इस तरह का एक फ़ोटो और x-ray जो आपने कराया है उसको लाइट के सामने रख के उसका एक फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कर दें। उसके बाद में मैं आपको आगे इसके लिए एडवाइस कर दूंगा कि किस प्रकार की आर्थराइटिस है, किस स्टेज में है और क्या आपको करना है। यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वेयर एंड टेयर वाली आर्थराइटिस है। ये होता क्या है, चाहे आपका बचपन हो चाहे बुढ़ापा हो, कोई भी इंसान अगर बॉडी के पार्ट्स को यूटिलाइज करेगा, जैसे आप अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हैं, तो घुटनों के अंदर वेयर एंड टेयर होता है। ये वेयर एंड टेयर रात को सोने के बाद या रेस्टिंग फेज में ऑटोमेटिकली रिपेयर भी हो जाता है, तो आपको जोड़ों की कोई तकलीफ नहीं होती। एक उदाहरण देता हूँ, आपने एक नया गाड़ी खरीदा, अब जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर 5 साल कोई समस्या ही नहीं आए, कुछ नहीं तो आपको रूटीन के अंदर उसकी सर्विस करानी पड़ती है, या मान लीजिए टायर पंचर हो जाए तो टायर बनवाना पड़ता है, कोई डेंट आ जाए तो डेंट निकलवाना पड़ता है। उसी तरह से जब आप अपने जोड़ों का इस्तेमाल जीवन में करते हैं, आपकी एज कुछ भी होने दो, आपके बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर जोड़ों के अंदर होता है, वो वेयर एंड टेयर साथ के साथ में रिपेयर भी होता जाता है। अब जो वेयर एंड टेयर है वो कम हो रहा है पर रिपेयर पूरी तरह से हो रहा है, तो आपके जोड़ बराबर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु एक उम्र के बाद आपकी जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो हो जाएगी स्लो डाउन, तो रिपेयरिंग स्लो होगा, वेयर एंड टेयर दिन भर के काम के अंदर अगर सेम हुआ या ज़्यादा हुआ, जो रिपेयर रात में नहीं हो पाया या रेस्टिंग फेज में नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे उसी कार्टिलेज की थिकनेस घटने लगेगी और आपको संधिवात की समस्या आएगी। समझ गए? तो पहला फैक्टर क्या हो गया संधिवात के लिए, उम्र। महिलाओं में 45-50 साल के बाद, पुरुषों में 55 से 60 साल की उम्र के बाद जोड़ों के दर्द अक्सर देखने में आते हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है संधिवात।
दूसरा कारण बनता है आपका जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स वीक है तो ऐसी स्थिति में आपको जोड़ों का दर्द जल्दी आ सकता है। बाला सैनी जी नमस्कार जी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि कोई मान लीजिए स्पोर्ट्समैन है या किसी का वजन ज्यादा है, अब अगर वजन ज्यादा है तो जोड़ों में वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी, और मान लीजिए वो वेयर एंड टेयर जल्दी रिपेयर ना हो पाए तो लोगों को 35 साल पर, 40 साल पर, 45 साल पर संधिवात शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं अपना वेट लॉस करो जिससे वेयर एंड टेयर ज्यादा ना हो। फिर अभी मैं एक पेशेंट को देख रहा था, 38 साल की उम्र है, तो मैंने कहा कि आप अपने गठिया की जांच कराएं, और ये सिंपल संधिवात अगर है तो आप वेट लॉस अगर कर लेंगे 20 से 25 किलो, उनका वजन है 80 किलो, तो मैंने कहा 60 के नीचे आ जाएंगे, आपकी दवाइयां आने वाले 10-15 साल को सब बंद हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वजन एक प्रमुख कारण बनता है, और आजकल महिलाओं में जो संभ्रांत घरों की जितनी भी महिलाएं हैं उनका वजन बढ़ गया है, वो सोचती क्या है ये तो नॉर्मल है, क्योंकि उसकी बहन का भी उतना ही वजन है, उसकी रिश्तेदार का उतना वजन है, उसके पड़ोसन का उतना वजन है, उसकी माँ का उतना वजन है, तो लगता है कि ये तो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है। आपकी हाइट निकालिए सेंटीमीटर में, उसमें से -105 कर दीजिए, आपका नॉर्मल वेट आ जाएगा। दैट हैज टू बी, अगर नहीं होगा तो घुटने जवाब दे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे उस महिला का वजन था 80 किलो, 38 साल पे दर्द शुरू हो गया, मैंने उनको पूछा एक सिंपल सा सवाल कि सिस्टर आपकी हाइट है 5'4", मतलब आपका वजन होना चाहिए 55 किलो। अब सपोज करो आज का दिन आपका वजन 55 किलो होता तो क्या आपको इतनी प्रॉब्लम होती? तो वो हंस के बोलती है कि हाँ डॉक्टर नहीं होती। तो मैंने कहा आप सपोज करो आपका वजन आज 55 किलो है और आपका जो बच्चा है उसका वजन है 30 किलो, क्या उसको आप गोद में लेकर के चल पाओगे? तो बोलती है नहीं, बदन दुखेगा, तकलीफ होगी चलने में। तो मैंने कहा जब उसको लेकर के चलने में तकलीफ होगी तो उस 55 किलो के ऊपर ही तो आपने 30 किलो चढ़ाया है, तो अब आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके बॉडी का हिस्सा हो गया तो आप चल पाओ, तो 38 साल में ही आपके घुटने दुखने लगे। पर उनको घुटने के दर्द के साथ में सूजन भी थी, तो मैंने कहा कि आप ब्लड के टेस्ट भी करा लीजिए, कहीं गठिया का तो कोई शिकायत नहीं है, अदरवाइज सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वजन घटाओ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर 47-48 पर जब पोस्ट मीनोपॉज के अंदर आपके जोड़ कमजोर होने लगेंगे, आपके हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, तब शायद आपको संधिवात के लिए जरूरत पड़े, क्योंकि रिपेयरिंग कैपेसिटी भी बॉडी की घट जाती है। दूसरे कारण क्या होते हैं, किसी को जोड़ में इंजरी हो गई, ठीक है, तो आपको आर्थराइटिस होगा, संधिवात होगा जल्दी, या फिर आप जोड़ों का ओवर यूज कर रहे हैं, 8-8 घंटे खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संधिवात की शुरुआत होती है। तो इसका प्रोटोकॉल क्या करना होता है, सबसे पहला अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वजन घटाएं, दूसरा अगर पैरों के अंदर डिफॉर्मिटी है, जैसे लोगों के पैर ऐसे टेढ़े होते हैं या फिर ऐसा नौकनी होता है, तो अगर इस तरह की डिफॉर्मिटी है तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें। डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी तो आपके बॉडी का वेट प्रॉपर तरीके से आपके जोड़ों के ऊपर आएगा। देखिए मैं आपको एक ये घुटने के एक इस पे समझाता हूँ, जरा देना, देखिए घुटने के मॉडल पे मैं आपको समझाता हूँ, ये जरा पकड़ के रखना है, ऐसा 2 मिनट के लिए मैं इनको जरा समझा दूँ। देखिए ये घुटने का मॉडल है, अब होता क्या है, ये राइट साइड का है, अब होता क्या है, ये साइड की गादी अंदर की गादी घस जाती है, तो ये पैर ऐसा टेढ़ा हो जाता है, बोइंग डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो जब बोइंग हो जाएगी तो इधर की गादी तो अच्छी है, इधर की घस गई है, पर बॉडी का वेट किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, तो ये गादी घसी हुई गादी के ऊपर आपके पूरे बॉडी का वजन आता है, तो आपको दर्द होता है। अगर इस पैर को आप सीधा कर दो तो आपके बॉडी का वेट ये साइड में आने लगेगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना काफी जरूरी है अपने घुटने के अंदर, समझ गया, घुटने की डिफॉर्मिटी करेक्ट करना क्यों जरूरी है, दिस इज द रीजन। तो डिफॉर्मिटी करेक्शन करें, मतलब पहला वेट लॉस करें, दूसरा डिफॉर्मिटी करेक्शन करें, तीसरा ओवर यूज ओवर स्ट्रेस से बचें, चौथा नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, और पांचवा और आखिरी हल्का गर्म सिकाई करें जोड़ों का। फिर जो जॉइंट फ्रेश है, 4 स्टेप है, वो दवाई लें। 4 स्टेप, आपको दर्द निवारक गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपके किडनी लिवर खराब हो सकते हैं, तो 4 स्टेप लें। हर्बल एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक है, और जॉइंट फ्रेश पाउडर लें, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, जो आपकी कार्टिलेज को घसने से बचाता है, आपकी कार्टिलेज को रिपेयर करता है, रिबिल्ट करता है, संधिवात आपका उससे ठीक होता है।
हाँ जी, लक्ष्मी मुखर्जी जी बोल रहे हैं, बहुत दिनों बाद। हाँ, बीच में थोड़ा कभी कभी गैप हो जाता है, थोड़ी मेरी बिजीनेस रहती है, तो अदरवाइज यूजुअली वी यूज टू शेड्यूल फ्राइडे 5 o'clock, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ, क्वेश्चन है बिल्कुल, तो अभी में तो ये जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप लें, साथ में हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम विटामिन डी लें, और 5 प्रोटोकॉल संधिवात के मरीज फॉलो करें, वेट लॉस, डिफॉर्मिटी करेक्शन, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, ओवर यूज ओवर स्ट्रेस से बचें, 5वां हल्का गर्म सिकाई करें, 6वां दवाइयां लें। हाँ जी बोलो। विकास शर्मा फ्रॉम हाँ जी, फेसबुक, सर हाउ कैन वी इंक्रीज द इंसुलिन नेचुरली? देखो इंसुलिन नेचुरली इंक्रीज आपको किस केस में लगेगा? अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आपको इंसुलिन बढ़ाने की नहीं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करने की जरूरत है, समझ गए आप? अब इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत जो है ना, बॉडी अपने आप बढ़ाती है, तो इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगर किसी केस में इंसुलिन बढ़ाना है, जैसे एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ग्लिमिप्राइड, ग्लाइपेजाइड, तो ये दवाइयाँ आपके पेनक्रियास से इंसुलिन के सीक्रीशन को बढ़ाती हैं, या डीपीपी इनहिबिटर्स मेडिकेशन, मोटे तौर पे आप समझें दवाइयाँ, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपके पेनक्रियास से इंसुलिन के सीक्रीशन को बढ़ाती हैं, ब्लड शुगर को बेटर रेगुलेट करती हैं, पर इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अगर आप इनको बड़ी मात्रा में लेंगे तो आपके पेनक्रियास को निचोड़ लेंगे इंसुलिन बनाने के लिए, और आपकी बीटा सेल्स बाद में बर्न हो जाएंगी या एग्जॉस्ट हो जाएंगी, और आपको इंसुलिन के इंजेक्शन पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज इंसुलिन को बढ़ाने के वेंचर को ना करें, ठीक है। आपके शरीर में इनफ इंसुलिन बन रहा है, आप इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रीगेन करें, और वो कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को डाइट में कंट्रोल करके और ग्लूकोफ्री जैसे सप्लीमेंट्स के साथ में। अब दूसरी स्थिति इंसुलिन बढ़ाने की कब पड़ती है? जब इंसान के टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा, तो आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने हैं। दूसरा तरीका वो है, तो पहला दवाइयाँ, दूसरा इंसुलिन का इंजेक्शन। बच्चों के अंदर अगर मान लीजिए टाइप 1 डायबिटीज हो गई है तो इंसुलिन चाहिए, बाहर से ही इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट इंसुलिन बढ़ाना नहीं है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रीगेन करना है। अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा और डायबिटीज और एग्रेसिव होगी, ठीक है। आपको बेसिकली डायबिटीज रिवर्सल के कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, समझ रहे हैं? और अभी डायबिटीज के रिवर्सल के बहुत ही सस्ते कोर्स विद इन 7 डेज आने वाले हैं, मोस्टली मंडे से आपके लिए अवेलेबल होंगे। मुश्किल से 3,000 रुपए का खर्चा उसमें लगता है, ऑनलाइन कोर्स है, वो करके आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव और खुद उसका हिस्सा बने, अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म करें। देखिए, डायबिटीज का इलाज अब तक दवाइयों से किया जाता था। टाइप 1 डायबिटीज का मरीज इंसुलिन बॉडी में बन नहीं रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता था, वो अभी भी करना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज का मरीज, उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है पर सेंसिटिविटी चली गई है, तो सेंसिटिविटी को रीगेन करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने हैं और ग्लूकोफ्री जैसे सप्लीमेंट्स लेने हैं, समझ गए आप? तो आपको टाइप 2 डायबिटीज में करते क्या है डॉक्टर्स, आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आपका इलाज करते हैं दवाइयों से, क्योंकि उनको दवाइयों का ही तरीका मालूम है। दे आर एजुकेटेड टू एडवाइज यू मेडिसिन्स, तो आप वो दवाई लेना शुरू करते हैं तो आप लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं। परंतु हाँ, टाइप 2 डायबिटीज का मरीज फूडी होता है, खा पी के मजा, तो आपको खाने पीने की लिबर्टी मिल जाती है, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, लाइफ टाइम चलता रहता है। फिर समस्या कब आती है? जब आपके न्यूरोपैथी आती है, ब्लड प्रेशर आता है, तो डॉक्टर एक सिंपल लाइन यूज करता है, भाई देखो डायबिटिक हो तो ये तो होगा ही, दिस इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, तो आपको ब्रेन का प्रॉब्लम भी होगा, आंखें भी खराब होंगी, किडनी भी जाएगा, फुट भी जाएगा, और फिर एक एक डॉक्टर उसके इलाज में लगेगा, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे लिए लॉटरी का टिकट है। अगर आप डायबिटिक बने रहेंगे,
हमको क्या पड़ता है, हमको तो अच्छा ही है आप पेशेंट हो, पर हमारा ये फर्ज बनता है कि अब हम आपको गाइड करें कि टाइप 2 डायबिटीज का दूसरा तरीका भी है ट्रीटमेंट का, और वो है डाइटरी प्रोटोकॉल, जिससे आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, उन सभी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, साथ में रिवर्स भी करें, पर अगर आपको खा पी करके एंजॉय करना है, डायबिटिक रहना है लाइफ टाइम, तो चॉइस आपका है, ठीक है। डॉक्टरों का इसमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आता है, डाइटरी प्रोटोकॉल समझाते हैं, दवाइयां समझाते हैं, रेगुलर लो, नहीं सुनता, बाद में वो देखो, मैं ये कड़वा है पर सच है, कंसल्टेशन कितनी देगा, 1000 रुपया, सर्जरी कराएगा तो एक बार में 2.5 लाख 5 लाख देगा, तो किसको बुरा लगता है फिर? हमने अपनी तरफ से आपको गाइड किया, आप फिर भी सुनना नहीं चाहते, आप बोलते हो मैं तो राणा सांगा हूं, दर्द सहन कर सकता हूं, होने दो दर्द, मैं तो चलेगा, मेरे को दवाई नहीं खानी। अरे मेरे भाई, तुम्हारे कार्टिलेज घस जाएगी, फिर क्या करोगे, चल भी नहीं पाओगे जगह से, उठ भी नहीं पाओगे, फिर आपको मजबूरी में सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं सुनता पर मरीज, क्या करोगे आप, दे आर स्टबन। वैसे ही डायबिटीज का मरीज, मेरा पेशेंट, एक पेशेंट में आपको एग्जाम्पल देता हूं, वो डायबिटीज के इवन कोर्स के अंदर एनरोल हुआ, 2 महीना उसने डायबिटीज का कोर्स किया, ब्लड शुगर पूरी कंट्रोल में आ गई, उसके बाद में बोलता है मेरे को तो खाने पीने की आजादी चाहिए। मैंने, ठीक है भाई, ले लो फिर आप दवाइयां खाओ, खाने पीने की आजादी लो, फिर कुछ समय के बाद में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक आता है, डायबिटिक फुट होता है, उंगली काटनी पड़ती है, फिर बोलते हैं हायराम आपने समझाया था हमने किया नहीं। मेरी एक पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ अभी कुछ दिन पहले, पेशेंट संधिवात के लिए आई, संधिवात समझाया, बात बात में बात निकली हस्बैंड के लिए, मैंने कहा अरे आपका डीपी के अंदर आपके हस्बैंड तो काफी तंदुरुस्त दिख रहे हैं और शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ये डायबिटिक भी हैं, तो बोले हाँ सर हैं डायबिटिक, तो मैंने कहा डाइटरी प्रोटोकॉल कराओ, डायबिटीज खत्म करो इनका, तो बोली सर वो मानते नहीं है, हमने आपका वीडियो तो देखा है पर सुनते नहीं है, तो मैंने कहा देखो आप सुनते नहीं है, मानते नहीं है, इसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। बोलते नहीं वो तो साहब को तो ब्रेड सुबह में लगती ही है, कपूर साहब को ब्रेड के बिना तो उनका चलता ही नहीं है। 3 महीने बाद मैसेज आया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इतना दुखद है, पर क्या करोगे आप, नहीं मानता इंसान, खा पी करके करना है उसको, तो खा पी करके का तो इलाज नहीं है ना, क्या करें बताओ आप। अब एक नया एक और जुमला चला है, आजकल आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, वो वीडियो में हमारे मुंबई के एक डॉक्टर का है, वो बोलता है अब डायबिटीज का इलाज सर्जरी से संभव है। सुनने में बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि यार ये डॉक्टर अग्रवाल का खाने का प्रोटोकॉल, दवाइयों का झंझट सब खत्म हो जाएगा मेरा, एक सर्जरी कराऊंगा। तो पेशेंट से अभी मेरा बात हो रहा, 101 किलो का, बोलता है सर तो सोचता हूं आपका डाइटरी प्रोटोकॉल में इतना सब कौन करेगा, मैंने एक सर्जरी का वीडियो देखा है, एक सर्जरी में डायबिटीज ठीक हो जाता है। मतलब वो बंदे ने कैसा मिसलीड किया है, डॉक्टर ही है, हमारे ही जमात का है, बैरियाटिक सर्जन है, उसने क्या बोल दिया, डायबिटीज नाउ कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी। पूरी बात नहीं बताई, आधी बात बताई, कैसे? अगर कोई इंसान फूडी है, ओबीज है, डायबिटिक है, वजन 125 किलो है, 150 किलो है, 200 किलो है, इंसुलिन के इंजेक्शन पर है, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ऐसे केस में क्या गाइड करते हैं डॉक्टर? आप बैरियाटिक सर्जरी करा लीजिए, लाइपोसक्शन करा लीजिए, जिससे आपके पेट का साइज छोटा हो जाएगा, आप भोजन कम खाएंगे मजबूरी में, तो आपको डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प मिलेगी। ये भाई ने क्या बोला वीडियो के अंदर, सर्कुलेट हो रहा है, आपके पास भी आएगा, ये भाई ने क्या बोला, नाउ डायबिटीज ट्रीटमेंट इज पॉसिबल बाय अ सिंपल सर्जरी। और वो सिंपल सर्जरी क्या है, बैरियाटिक सर्जरी। 8 करोड़ मरीज हैं इंडिया में, सर्जरी कराएंगे? 70 किलो का मरीज, 80 किलो का मरीज जो ओरल एंटी डायबिटिक गोली खा रहा है वो सर्जरी कराएगा? रेलवे ने एक आवेदन निकाला, हैंडीकैप लोगों को हम फ्री में ले जाएंगे, आप अपने पैर काट लेते हैं कि मेरे को फ्री टिकट मिलेगा ट्रेन में, मैं अपने पैर काट लेता हूं हैंडीकैप हो जाता हूं। इस तरह के वीडियोस डॉक्टर्स डालते हैं ना, उसको तो ग्राहक मिल जाएंगे, उसका नाम ऑल इंडिया में चला जाएगा, पर जो मरीज कंफ्यूज करके गया है ना, उसका भुगतान कौन करेगा?
मरीज कर, ये भाई को तो मरीज मिल जाएंगे बैरियटिक सर्जरी के लिए, जितने भी डायबिटीज के ओबीस पेशेंट होंगे पहुंच जाएंगे उसके पास। तो भाई तेरा तो नाम हो गया, पर तूने सत्यानाश कर दिया पूरे डायबिटीज के मरीजों की जमात का। अब वो इसी कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि वो सर्जरी कराएंगे हम। भाई मुझे भी लगा कुछ नया लेटेस्ट आया है क्या, सुनूं, मेरे को भी ऐसे ही सर्कुलेट होके मैसेज आया तो सुना, तो भाई बैरियाटिक सर्जरी बताया। अब आपको जानकर के सरप्राइज होगा, ये डॉक्टर बेसिकली सो रहा है। 2016 के अंदर इंटरनेशनल बैरियाटिक सर्जरी में एक ग्रुप है, वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए बैरियाटिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं एज ए ट्रीटमेंट, और मैंने उसको पबमेड के आर्टिकल को आप लोगों के साथ में वीडियो बना के शेयर भी किया है। पर उनका बीएमआई होता है 35-40, 125 किलो 150 किलो जिनका वजन है, जो फ्रिज तोड़ करके खाने के लिए तैयार है पर खाए बगैर नहीं रह पाते। डॉक्टर सोच रहा है कि ये इतना मोटा है, इतना इंसुलिन इंजेक्ट कर रहा है, इसको इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, डायबिटिक फुट है, बेचारा मर ना जाए, मजबूरी में इसकी बैरियाटिक सर्जरी कर देते हैं, इसको लाभ मिलेगा। आप ऐसे मरीजों को सर्जरी करें समझ में आता है, पर जो 70 किलो का मरीज है वो सर्जरी कराएगा इसके लिए, पेट छोटा कराएगा या क्लैंपिंग कराएगा? मतलब ऐसा मिसलीडिंग डॉक्टर ने स्टेटमेंट डाल दिया, वो घूम रहा है, वो घूमेगा, मतलब हमारा ही पसीना और बहेगा समझाने के लिए कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये 150 किलो के मोटे इंसान के लिए है, या जो इंसुलिन इंजेक्शन पे ये उनके लिए है। और ये ऑलरेडी 2016 से चल रहा है, ये भाई तो 2022 में जागा है, तो इसको तो 2016 से करना चाहिए था ये एडवर्टाइज, ये अभी जागे हैं भाई साहब, तो इनका तो फायदा हो जाएगा मुझे मालूम है, पर ये मेरी वीडियो और ये मेरी बात जिन लोगों के पास जा रही है वो उस डॉक्टर से जरूर क्वेश्चन करें कि आपने ऐसा मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्यों दिया। आप ये बोल सकते थे कि डायबिटीज का इलाज सर्जरी से भी पॉसिबल है, पर उन लोगों का जिनका वजन 100 किलो के ऊपर है, जो 110, 120, 130 किलो के हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन पर है, कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित है, क्रेविंग पर कंट्रोल नहीं रख सकते, वो लोग अपनी बैरियाटिक सर्जरी करा ले, दिस इज ऑल्सो ए ऑल्टरनेट फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट। दो बात समझ में आती है, उन्होंने क्या बोला, ये सब बोला ही नहीं है, उन्होंने उसमें क्या बोला है कि अब डायबिटीज का इलाज एक सिंपल सर्जरी से संभव है, आप बैरियाटिक सर्जरी करा लें। बैरियाटिक सर्जरी कराए हुए मरीज मेरे पास में आते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने को, पेट का साइज तो छोटा हो गया पर पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो डायबिटीज कैसा कंट्रोल आएगा? कंसेप्ट क्या है उसका? पेट का साइज छोटा हो गया तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब आप कम खाओगे, जब कम खाओगे तो अपने आप डायबिटीज ठीक हो जाएगी, दिस इज द कंसेप्ट। पर अगर मरीज ने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली तो क्या होगा? सर्जरी भी फेल, उस मोटे आदमी की भी फेल हो जाएगी, उसको भी डायबिटीज में कंट्रोल नहीं आएगा। तो इस तरह के मिसलीडिंग चीजें डॉक्टरों को नहीं देनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली दे दिया है। उन्होंने अपनी स्किन बचाने के लिए उसमें एक दो पॉइंट ऐसे जरूर बोले होंगे कि अरे अरे आपने मेरा आधा सुना है, पूरा तो सुनते, मैंने बोला है, पर आपने हजारों लोगों को भ्रमित कर दिया। एनीवे, उनको उनका काम करने दे, हम अपना करें। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी मुखर्जी। लक्ष्मी मुखर्जी, हाँ जी, क्या रिवर्स हो सकता है, इज इट ट्रू? आपको पेशेंट्स के अगर रिपोर्ट्स चाहिए, आई विल शेयर रिपोर्ट्स विद यू, ये रिवर्स हो सकता है, नहीं है, होता है, मेरे पेशेंट्स हैं। मैं एक्चुअली क्या इनकी नुमाइश नहीं करता, कुछ लोग नुमाइश भी करते हैं, मैं नुमाइश नहीं करता, फर्क खाली उतना है। अब मेरे जो आईटी वाले लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसे पेशेंट्स के वीडियोस बनाने चालू किए हैं, और अभी मैं अग्रोहा धाम गया था, एक मुंबई से हमारी अग्रवाल समाज की एक पूरी बड़ा 500 लोगों का टीम था, तो मैं अग्रोहा धाम गया, उधर के एक पेशेंट का मेरे को फ़ोन आ गया कि सर मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हुई है, और मैंने ऐसे ही जैसे बोल रहा हूँ ना, तो मैंने बोल दिया कि भाई अगले हफ्ते का अपना सेशन नहीं होगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे अग्रोहा धाम जाना है वाया दिल्ली। तो उसने कहीं सुन लिया, तो उसका मैसेज आ गया कि डॉक्टर अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो मेरे पास ज़रूर आके जाइए। तो उस समय मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इनका एक स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड कर दूँ। तो जय कुमार जी हैं, जय भगवान, तो उनका मैंने हिसार में जब हम लोग उधर लंच कर रहे थे, दिल्ली उतरे यहाँ से, और पूरा ग्रुप जब ऑन द वे था फॉर अग्रोहा, तो हिसार में उनका मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बताया, और उनके पूरे मेरे डॉक्यूमेंट हैं, पिछले 1.5 साल के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें उनकी पहले 150
300 इस तरह की ब्लड शुगर आती थी, फिर वो घटने लगी, घट करके उनकी 100 ऐसे आने लगी, खाना खाने के पहले की 88, खाना खाने के मतलब 100 भी क्रॉस नहीं हो रही है, तो घबरा गए कि अरे ये तो 96 आ रही है खाना खाने के बाद की। तो मैंने कहा आप एक घंटे बाद की करो, 120-130 आएगी। तो उनका पूरा रिवर्स हुआ, उन्होंने लिख के भेजा, थैंक्स किया, फिर अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग भी किया। अभी सैकड़ों पेशेंट ऐसे हैं जिनकी ब्लड शुगर 7-15 दिन के अंदर नॉर्मल आने लगती है, इंसुलिन के इंजेक्शन 15-20 दिन में छूटने लगते हैं, मैक्सिमम 3 महीने में। देखिए आप एक ब्लड टेस्ट कराइए, अगर आपका सी पेप्टाइड नॉर्मल के ऊपर है तो आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और वो साइंटिफिक आना चाहिए कि आपकी चॉइस क्या है, आप दवाई लेकर के जीवन भर डायबिटिक रहना चाहते हैं या डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करके डायबिटीज मुक्त होना चाहते हैं, तो ये चॉइस आपके डॉक्टर ने आपको अब देनी चाहिए, पर वो नहीं दे रहे, मरीज घट जाएंगे। और कुछ तो ऐसा बोल देते हैं मरीजों को, आप कर नहीं पाओगे डाइट का प्रोटोकॉल, आप कर नहीं पाओगे, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। अरे भाई उसको करने तो दे, चॉइस तो दे दे। फिर एक डॉक्टर ने मेरे को मालूम है क्या बोला, रिवर्स हो जाती है फिर दोबारा भी तो आ सकती है। अरे भाई मोटा आदमी जो 100 किलो का है, अगर उसकी हाइट 6 फुट है तो 80 किलो नॉर्मल वेट होता है, मोटा आदमी 100 से 80 पे आ सकता है डाइट करे, एक्सरसाइज करे, 80 से वापस 100 पे जा सकता है अगर फिर पहले जैसा खाने लग जाए ढेर सारा, तो इसमें तो कोई डिनाइल है ही नहीं। तो अगर डायबिटीज रिवर्स हो सकती है तो अगर आप फिर से हाई कार्ब डाइट खाने लगोगे तो वापस आ भी सकती है। तो बोलते हैं अरे तुम्हारी रिवर्स तो हो जाएगी पर फिर तुम ऐसे ही करोगे ना गड़बड़ अपने डाइट में तो फिर आ जाएगी। अरे भाई वो तो हो गई, आप अगर सीढ़ी पे चल रहे हो और आपका पैर फिसल गया तो आप गिरोगे, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सीढ़ी पे चढ़ोगे ही नहीं, भाई संभाल के चढ़ोगे। मतलब अगर आपकी डायबिटीज रिवर्स हो गई तो जो आप पहले ठोकम ठाक करते थे कार्बोहाइड्रेट की वो नहीं करोगे, कम खाओगे कार्बोहाइड्रेट। जैसे डायबिटीज रिवर्सल के बोलता हूँ 100 ग्राम के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाओ, जब रिवर्स हो जाती है तो बोलता हूँ आप 150 ग्राम के अंदर खाओ, 400-500 ग्राम मत खाओ नहीं तो वापस। तो अगर आदमी 150 ग्राम तक खाए, रिवर्सल का मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का नेगेटिव आना, आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके अपना टेस्ट करते हो आपकी ब्लड शुगर 140 क्रॉस नहीं करती, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। तो ये होता है, मेरे पास में प्रूफ्स है, मैं प्रूफ्स दे देता हूं। तो और अब तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, पबमेड के आर्टिकल है, 99 आर्टिकल्स का रेफरेंस है, 1-2 का नहीं है, और वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। हमारे यहाँ के लोगों को लेट मालूम पड़ता है क्योंकि जब तक इनको कोई गोरी चमड़ी वाला ना बोले ये लोग सुनते नहीं है, इनको क्या कोई अंग्रेज चाहिए बोलने के लिए, मैं इतने सालों से बोल रहा हूं तो मेरी बात नहीं सुनते, बोलते नहीं नहीं कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ट्विस्ट होगा। अरे ट्विस्ट क्या होगा, अभी तो अपनी फेटर्निटी के वर्ल्ड वाइड बोलने लगे, कोविड के बाद में तुम लोग अभी कॉन्फ्रेंस में गए नहीं हो आउट ऑफ इंडिया, जब जाने लगोगे ना तो अपने आप फिर इसको फॉलो करोगे या फिर मरीजों को मिसलीड करोगे, तो वो आजकल मिसलीडिंग चालू है। पर ध्यान रखना डायबिटीज का टाइप 2 का अब 2 इलाज है, एक है दवाइयों का रास्ता जो आपको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस की तरफ लेके जाता है, आपके बॉडी में 20 कॉम्प्लिकेशन लाता है, 20 कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं वो आपको अभी मैं बताता हूं। और दूसरा तरीका है डाइटरी प्रोटोकॉल का जो आपको डायबिटीज रिवर्स करता है, इन कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। ये कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं, शुरुआत होती है मोटापे से, ओबेसिटी आएगा, फिर इसी चेन में आगे क्या आएगा, हाइपोथायराइड, ब्लड प्रेशर, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया मोटापे के साथ में, फिर न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में जलन, स्किन के अंदर स्ट्राइप्स, मस्से कांख में और गर्दन पे, प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। कुछ लोगों को न्यूरोपैथी भी साथ में आता है, फिर डायबिटीज आएगी, फिर डायबिटीज के बाद में ब्लड प्रेशर के आगे बढ़ करके हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, आँखों में अर्ली कैटरेक्ट, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक फुट, पेरिफेरल दिस वेस्कुलर डिजीज PVD, फिर उंगली वगैरह काली पड़ जाती है पैर की, फिर प्रोस्टेट कैंसर, इम्बैलेंस, न्यूरोपैथी, एरिदमियाज, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो
ये करीब 20 चीजें हैं, हाइपरलिपिडेमिया, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर लेते हैं, हालांकि उसके कोर्सेज हैं और अब तो डैम चीप कोर्स आने वाला है विद इन 7 डेज, मंडे तक वी विल लॉ गिव यू अ कोर्स विच इज वर्थ रुपी ओनली 3000। 3000 में गरीब आदमी के, क्योंकि क्या होता था, पिछला वाला जो कोर्स था मेरा वो 10,000, 20,000 और 30,000 का था या 35,000 का था, तो लोग कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो गरीब लोगों के लिए कि हर एक कोई कर पाए, इंडिया में 8 करोड़ मरीज हैं डायबिटीज़ के, तो वो हर कोई अफोर्ड कर पाए, तो 3,000 का कोर्स है, उसमें वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता है। कंट्रोल तो 7 से 15 दिन में आता है, ठीक है। और अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो फॉलो करने से, जो बोला है पैसे वापस, डबल करके वापस दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। तो अब वो बातें आप सुनना बंद कर दीजिए, दिस इज़ पॉसिबल एंड वेरी मच पॉसिबल। तो आपके कोई रिलेटिव हैं, आप हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी इस बारे में अवेयरनेस करें। और मनी बैक है, मनी बैक है, अगर फ़ायदा नहीं हुआ रिवर्सल, तो अगर आप रेगुलर करेंगे तो रिवर्सल भी होगा, पर अगर फ़ायदा नहीं हुआ पैसा आपको वापस दे दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों को इसका बेनिफिट लेने दें। एक क्वेश्चन है मनोज अग्रवाल, सर मैंने डायबिटीज़ रिवर्स की मगर 2 साल बाद अब वापस इंक्रीज हो रही है मेरी फास्टिंग, अब 140 और पीबी 175, क्या करना चाहिए? मेरे फिर देखो, नेक्स्ट उन्होंने डाला कि क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपने बिना पढ़े ही दे दिया, अब वापस रिवर्स हो सकती है क्या? हाँ, बस रिवर्स होगी, सी पेप्टाइड की आप जांच करा लें, डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करें। मैं वही बोलता हूँ, हम रिवर्सल कोर्स में बाद में फिर ट्रेनिंग भी देते हैं मरीज को कि वापस नहीं आए उसकी ट्रेनिंग। होता क्या है, देखो, एक आम हिंदुस्तानी 250 से 500 ग्राम तक, 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पर डे डाइट में ले रहा है, अब इसके कारण उसको डायबिटीज आ गया। अब हम उसे बोलते हैं कि आप 100 ग्राम के अंदर आ जाओ, डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करो, डायबिटीज खत्म हो जाएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आएगा। आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव किया था कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर वो किया था तो बेस्ट है, तभी मैं इसको रिवर्स मानता हूँ या रिमिजन मानता हूँ। तो उसके बाद में फिर मैं उनको बोलता हूँ, जो 100 ग्राम की हमने आपको लिमिट में बांधा था, अब उसमें रिलैक्सेशन देते हैं 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक का। 150 ग्राम से आप ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे फिर रेजिस्टेंस बिल्ट होगा और आप फिर डायबिटिक हो जाओगे। तो किस इंसान को ये चाहिए कि वो वापस से डायबिटिक हो जाए? आदमी बोलता है यार ठीक है ना, 2 बार खाने को मिल रहा है ना सुबह रात, वजन भी नहीं बढ़ेगा लाइफ टाइम, स्मार्ट हैंडसम लगूंगा और साथ में डायबिटीज भी नहीं आएगी, 2 टाइम में मैं चॉइस का खाना खाऊंगा, तो क्या खोटा है? आप बीमारी से फ्री अपना जीवन निकाल रहे हैं। तो मनोज जी, अग्रवाल जी, आप करिए, और मुझे मालूम है आप अग्रवाल जी हैं तो फूडी होंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिवर्स करिए और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जरूर करिए, तब मानिए कि ये रिवर्स हुई है। ब्लड शुगर कंट्रोल तो 7 दिन में होती है, मैं आपकी 3 से 7 दिन में ब्लड शुगर कंट्रोल करा दूंगा, हाँ, तो डोंट वरी, यू कैन डू दिस, ठीक है। हाँ, अभी मैं पिछले हफ्ते के कुछ एक क्वेश्चन लेता हूं। अशोक अशोक तांबे ताम तामते ये लिखते हैं, माय शुगर लेवल इज 165 फास्टिंग एंड 197 पोस्ट मील, आई एम टेकिंग 100 मिलीग्राम, ऑब्वियसली मेटफॉर्मिन ले रहे होंगे, इन्होंने नाम नहीं लिखा टैबलेट का, डेली, प्लीज एडवाइस अबाउट माय केस। देखिए, आप जैसे ही लो डायबिटीज लो कार्ब डाइट के अंदर जाएंगे, आपकी ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप होनी शुरू होगी, जो 165 फास्टिंग है वो ड्रॉप होगी, 197 है पोस्टपेरेंडियल वो ड्रॉप होगी, तो आपकी जो दवाइयां हैं विद इन 15 डेज बंद होंगी, और फिर वही प्रोटोकॉल आप कंटिन्यू करेंगे 6 महीने से साल भर के लिए, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी, साथ में कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो अगर आप डायबिटीज रिवर्सल कोर्स में ज्वाइन होते हैं अशोक जी, तो बेस्ट है, और अब आने वाले समय तो 3000 के भी कोर्सेज हैं, तो वो इट विल बी डैम चीप एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, ठीक है। अदरवाइज ये कोर्स मैंने क्यों मालूम है इतने सस्ते दिए, कि हमारा देश जो है डायबिटीज के अंदर कैपिटल ना बन जाए। हमारे देश के अंदर 8 करोड़ पेशेंट हैं डायबिटीज के, और करीब 14 से 15 करोड़ लोग हैं ओबीज, जो आने वाले 5 साल के अंदर 25% और ऐड हो जाएंगे डायबिटीज में। तो अगर 15 करोड़ का 25% अगर आप जोड़ें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास होता है, मतलब 5 साल
2027 तक ये संख्या बढ़कर के जा सकती है 8 करोड़ से 13 करोड़ पर। और चाइना के अंदर 17 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं। क्यों है मालूम है इतने अधिक उनके पास? नूडल्स खाते हैं, मैदा, नूडल्स के कारण उनके पास डायबिटीज के हमसे ज्यादा मरीज हैं। और हमारे बाद में आता है अमेरिका, जिसने शुरुआत की थी, जिसकी डाइटरी प्रोटोकॉल के कारण हम बीमार हो गए, हमारा देश बीमार हुआ। डायबिटिक प्रोटोकॉल उन्होंने निकाले और हमारे डॉक्टर उधर ही जाकर के पढ़ाई करके आए और वही हमको पढ़ा दिया गया कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ, फैट कम खाओ, हार्ट अटैक से बचोगे। तो हार्ट अटैक कम होने की जगह और ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि उस शुगर ने पहले ब्लड वेसल्स को डैमेज किया, फिर यही लिपिड जाकर के उसमें जम गया, खून की नलियों को पतला कर दिया। तो और सवा सत्यानाश, मोटापा भी बढ़ गया, डायबिटीज भी बढ़ गया, हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक भी बढ़ गया, अस्पताल भरे पड़ गए। तो इन्होंने और बंटाधार कर दिया। तो अगर इसको रोकना है तो लोगों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डायबिटीज की कैपिटल आने वाले समय में बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर वन पर जल्दी ही पहुंचने वाली है। 2026-27 तक हम नंबर वन हो सकते हैं। तो ये डायबिटीज के केसेस भी तेजी से बढ़ेंगे और ऐसी स्थिति के अंदर डायबिटीज में हम नंबर वन पे पहुंच सकते हैं। आज वो 17 करोड़ पे, कल हम 17 करोड़ पे हो सकते हैं 2030 तक। तो उस स्थिति से अगर बचना है तो लोगों की ट्रेनिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और लेंगे लोग करीब 10 मिनट के लिए, और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनोपॉज के बाद मैं वजन कम नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करें? उसके बाद ही आर्थराइटिस की शुरुआत हुई है, ये लिखती हैं वीना जी। देखिए वीना जी, क्या होता है पोस्ट मीनोपॉज में आपके हार्मोन्स जैसे ही घटते हैं, आपके जो ब्लैंकेट है बोन्स का, जॉइंट का, वो हट जाता है और आपके जोड़ और हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आर्थराइटिस होगा। और वेट लॉस अगर करना है तो उसका बहुत ही साधारण तरीका है, लोग समझना नहीं चाहते। लोग क्या करते हैं, उनको डाइटिशियन चाहिए, 25 खटराक चाहिए। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो एकदम आसान तरीका है, स्ट्रेट हो चुका है, पर आपको क्या आसान नहीं चाहिए? जैसे मैंने बताया, वो एक डॉक्टर ने डाला बैरियाटिक सर्जरी ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, लोग उसी के पीछे चले गए कि यार सर्जरी करा लेंगे, दवाई गोली और ये डाइट का चक्कर कौन करेगा, एक पेट कटवा लो जरा सा, हो जाएगा काम। तो लोगों को इजी गोइंग चाहिए। भाई वेट लॉस के लिए कोई इजी गोइंग, कोई शॉर्टकट नहीं है। वेट लॉस के लिए आपको सिंपल फास्टिंग करनी है, उपवास रखना है। आपके घर में कुकिंग के लिए गैस है, अगर मैं आपको गिफ्ट में केरोसिन की एक कैन दूं 10 लीटर की और एक स्टोव दूं, आप उसको रखे रहेंगे, यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गैस इज मोर कन्वीनियंट फॉर कुकिंग। तो जब गैस खत्म हो जाएगी तो मजबूरी में आप इस्तेमाल कर लेंगे केरोसिन का स्टोव। इसी तरह आपका बॉडी, इसमें एनर्जी के दो सोर्स हैं, एक है शुगर, दूसरा है फैट। आप चाहते हैं आपकी बॉडी फैट का इस्तेमाल करे और आपका वजन घटे, पर बॉडी कहती है मेरी फर्स्ट चॉइस है शुगर, और वो आप टॉपअप कर रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कुछ लोग 6 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर 12 बजे, 4 बजे, रात के 11-12 बजे। तो होता क्या है, आप 3 बार और 6 बार जब शुगर का टॉपअप करेंगे तो बॉडी को शक्कर मिल गया, मतलब आपके घर में गैस का कनेक्शन बना हुआ है, गैस पड़ी हुई है, तो आप केरोसिन इस्तेमाल क्यों करेंगे भाई, बेवकूफ है क्या? तो बॉडी भी बेवकूफ है जो फैट इस्तेमाल करेगी। तो बॉडी बोलती है भाई मैं शक्कर पे मस्त चल रही हूं, मुझे नहीं चाहिए फैट, कौन जाएगा स्टोर में फैट निकालने, तुम्हारा 5 साल पुराना फैट, 10 साल पुराना फैट। अरे भाई, आप अगर घर में रोटी बनाते हैं, ताजा खाना बनाते हैं, तो ये तो नहीं करते कि फ्रिज का खाते हैं और जो ताजा बनाया है उसको वापस फ्रिज में रख देते हैं, ऐसा करते हैं क्या? आप ताजा खाना पहले खाते हैं, फिर बचता है तो फ्रिज में रख देते हैं, यही करते हैं ना। तो बॉडी भी यही करती है, आपने जो खाया वो इस्तेमाल किया, जब खाना बंद करेंगे तो बॉडी फैट इस्तेमाल करेगी। तो भाई मौका तो दो। अब मुस्लिम लोग रोजे में वो मौका देते हैं, हिंदू लोग नौ दुर्गा में वो मौका देते हैं, तो वेट लॉस हो जाता है। फिर भी बुद्धि वापरना नहीं चाहता इंसान,
नौ दुर्गा में 2 किलो वजन घटा, फिर भी बुद्धि नहीं आती कि इसी उपवास को एक्सटेंड कर लूं साल भर के लिए तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, रोजे वाले को भी बुद्धि नहीं आती, रोजे में 5 किलो वजन घटा, वजन घटाना है तो इसी रोजे के पैटर्न को फॉलो कर लो। भाई अर्ली मॉर्निंग मत खाओ, दोपहर में खा लो, दोपहर और रात दो टाइम खाओ, एक टाइम तो खाना छोड़ दो। तो वेट लॉस अगर करना है तो एक भोजन ब्रेकफास्ट या डिनर छोड़ दीजिए, या 10% 100 किलो भी वजन ज्यादा होगा ना, घट जाएगा, गारंटी देता हूं। और नहीं कम हो तो जो बोलो हारो। अब अगर क्रेविंग होती है फूड की तो स्टार वॉक ले लो, सप्लीमेंट है, फूड की क्रेविंग नहीं होने देगा, वेट लॉस होगा, एनर्जेटिक रखेगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं 21 घंटे की फास्टिंग के बाद, एनर्जेटिक हूं, कहीं भी लगा कि मेरा आलस आ रहा है? नो। कल रात 8 बजे मेरा डिनर हुआ है, अभी कितना बज रहा है? पौने छह छः, बजे 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो कितना घंटा हो गया भाई, कल रात के 8 बजे से आज के 6, 22 घंटा हो गया है, और अभी भी मेरे को आधा पौना घंटा लगेगा कुछ भी लेने के लिए, और एनर्जी लेवल फुल है, कहीं भी कमी। आप पूरा मेरा 1 घंटे का वीडियो शुरू से आखिरी तक चला के देख लीजिए, कमी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? तो एनर्जी लेवल फुल रहेगा, वेट लॉस होगा। अरे अन्ना हजारे ने 6 किलो वजन घटा लिया 11 दिन में, किस उम्र पे? 60-70 साल के थे। अरे ये तो एक मॉडल है, केस है, स्टडी है। अन्ना हजारे उपवास में बैठे थे जब ये केजरी भाई नेताजी बने, इसके पहले अन्ना हजारे बैठे थे ना दिल्ली में, कितना घटा 11 दिन में? 6 किलो वजन घटा, कैसे घटा? उपवास। तो भाई वो तो ठीक है, पानी पी करके 11 दिन रहे होंगे, खाना नहीं खाना था, परंतु आपके लिए तो एक टाइम का खाना छोड़ने बोल रहा हूं, 3 टाइम का तो नहीं छोड़ने बोल रहा। एक टाइम का छोड़ दो या दिन में एक ही बार खाओ, वेट लॉस हो जाएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। 50-50 किलो वजन कम किया है मेरे मरीजों ने, ध्यान रखिए 50 किलो कम किया है, और प्रूफ है मेरे पास में इसके। मैं खाली उसकी नुमाइश नहीं करता, हालांकि मेरे आईटी डिपार्टमेंट ने अब कुछ इस तरह के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, नाउ दे आर स्टार्टिंग पोस्टिंग देम, कि भाई लोगों को जब तक देखते नहीं है जो दिखता है वही लोगों के समझ में आता है। तो इसके लिए आपके लिए अब डालना वो लोग शुरू करेंगे, पर मैं इसकी नुमाइश नहीं करता था। इसके लिए आप देखेंगे मेरा जो लॉन्ग लिव लाइव का चैनल है उसके ऊपर पेशेंट्स के इस तरह के कन्फेशन, इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे। पर अब लोगों को देखते हुए आईटी वालों ने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सच टाइप ऑफ कैंपेन। तो अब आपको आने वाले समय में इस तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिलेंगे। 15 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल हो गई, 7 दिन में नॉर्मल हो गई, 1 महीने में नॉर्मल हो गई, साल भर में डायबिटीज रिवर्स हो गई, इस तरह की अब आपको रेगुलर देखने मिलेंगे। वेट लॉस हो गया, आर्थराइटिस में वेट लॉस किया, घुटनों में आराम हो गया चलने के लिए, डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो किया, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस का रूमेटॉइड आर्थराइटिस नियर क्योर में पहुंच गया, तो अब आपको आगे इस तरह की चीजें मिलेंगी देखने को, ठीक है? तो ये सारी चीजें करें, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे आपके क्वेश्चंस और हमारे जवाब के साथ में। आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, नेक्स्ट वीक वी विल टेक अप देम, वी विल स्टार्ट विद देम, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें डायबिटीज आर्थराइटिस वेट लॉस के लोगों के लिए, जिससे उनका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।